A very good morning. In today's 12th business studies, we are going to discuss about the demonetization. एक ऐसा इशू जिसके बारे में बात करते ही हम सबके जेहन में, हम सबके दिमाग में एक वर्ड उतरता है. प्यारे देशवासियों, यानी कि 8 नवंबर 2016 की रात जब 8 बजे हमारे पीएमओ, हमारे पीएम जब देश को एड्रेस करते हुए ये स्टेटमेंट देते हैं, प्यारे देशवासियों, आज रात 12 बजे के बाद 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, तो हर एक देशवासी की धड़कन बढ़ने लगती है, दिल अपनी जगह छोड़ देता है. एक ऐसा स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया, लेने का कारण क्या रहा, उसकी हिस्ट्री क्या रही, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं अपने इस वीडियो के अंदर. डीमोनेटाइजेशन, ये जो वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है, यानी कि मनी को रिटायर कर देना, रिटायरिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग करेंसी और रिप्लेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग करेंसी विद द न्यू वन. अपनी एग्जिस्टिंग करेंसी को न्यू करेंसी के साथ में रिप्लेस कर देना, क्या कहलाएगा, डीमोनेटाइजेशन. या फिर अपन ये भी कह सकते हैं, द एग्जिस्टिंग करेंसी विल नो लॉन्गर बी द लीगल टेंडर. हमारी जो एग्जिस्टिंग करेंसी है वो आने वाले समय में हमारे लिए लीगल टेंडर नहीं रहेगा, उसे भी डीमोनेटाइजेशन ही कहा जाता है. इंडियन हिस्ट्री में अगर बात करते हैं तो सबसे पहला जो डीमोनेटाइजेशन हुआ वो 1947 के दौर में, उस समय में होता है. उससे पहले अपन ये कहें कि 1938 में आपकी इंडियन इकोनॉमी में 10,000 के नोट भी चला करते थे, इशू किए गए थे. अब वो जो 10,000 के नोट इशू किए गए और 1,000 के नोट भी चला करते थे, 1947 में इन करेंसीज को डीमोनेटाइज किया गया, लेकिन इसका कुछ ज़्यादा इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पर आया नहीं. क्यों नहीं आया? बिकॉज दीज करेंसीज वर नॉट अंडर द पोजिशन ऑफ अ कॉमन मैन, यानी कि ये दोनों ही करेंसीज कॉमन मैन की पहुंच से बहुत बाहर थी, और जब तक कॉमन मैन पर इफेक्ट नहीं आएगा, इकोनॉमी पर इफेक्ट नहीं आएगा. अब 1947 में ये जब डीमोनेटाइजेशन हो जाता है, उसके बाद अपन कहते हैं 1954 में इन करेंसीज को फिर से इशू कर दिया जाता है नए 5000 नोट्स के साथ में, यानी कि 5000 के नए नोट के साथ में इन करेंसीज को, जो करेंसीज बैन की गई थी, उन्हें री इशू कर दिया जाता है. लेकिन ये डीमोनेटाइजेशन नहीं था. अप टू नाउ वी टुक दिस डीमोनेटाइजेशन इन 1947 और 46, ठीक है. लेटर ऑन इन 1978 जो रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है हमारी इकोनॉमिकल पॉलिसीज में, जिस पीरियड को अपन रोलिंग प्लान कहते हैं, मुरारजी देसाई, आपने नाम सुना होगा, वहां मुरारजी देसाई ये डिसीजन लेते हैं कि वी नीड टू स्टॉप और वी नीड टू कर्ब द करप्शन, करप्शन को रोकना होगा. अब करप्शन को रोकने के लिए वो ये जो बड़ी करेंसीज हैं, यानी कि 10,000, 1,000, 5,000, इन करेंसीज को डीमोनेटाइज करना चाहते हैं. लेकिन यहां पर भी अगर देखा जाए तो पार्टी फंड को ट्रांसफर करने के अलावा इसका कोई और बेनिफिट हमें नहीं मिला. बात करते हैं 2016 की, 8 नवंबर, हमारे काम की चीज यही है, काम की डेट यही है. अनाउंस ऑन नवंबर 8, 2016, पर्पस करप्शन को रोकना, ब्लैक मनी को रोकना, जो होल्डिंग्स थी, कैश होल्डिंग्स हुआ करती थी, उन्हें वापस बाहर निकालना. आप लोगों ने, सभी ने टीवी, मेरे ख्याल से आप सब लोग देखते होंगे, वो मूवी आप सब ने देखी होगी, शिवाजी द राव. देखिए उस मूवी में छत पर से दीवारें जब हटती हैं तो नीचे से नोट निकलते हैं, कहाँ से आए वो नोट? इस तरह की होल्डिंग्स या दीवारों में से, रेड मूवी आपने देखी है, दीवारें फोड़ फोड़ करके पैसा निकाला जाता है. इस तरीके से अगर पैसे को होल्ड किया जाएगा तो आपको लगता है कि दीज इनकम्स वर डिक्लेयर्ड इन फ्रंट ऑफ द इनकम अथॉरिटीज, डिक्लेयर की गई थी, नहीं की गई. जब नहीं की गई तो गवर्नमेंट इस तरह की इनकम को सामने लाना चाहती है. जब सामने लाना चाहती तो अपन क्या करें, पुरानी करेंसीज को बंदी कर दे. कार्ल मार्क्स जो पुराने इकोनॉमिस्ट हुए थे, उन्होंने कहा था, इफ वी वांट टू प्रोटेस्ट ब्लैक मनी द
देन वी हैव टू टेक दिस डिसीजन। और एक बात ये भी कही जाती है कि भाई फेक करेंसी हैज़ अ मोर वेलोसिटी देन द गुड करेंसी, यानी कि नकली पैसे में असली पैसे के कंपैरिजन में ज़्यादा गति होती है। कैसे होती है वो समझिए, आपकी जेब में अगर मान लीजिए 500 का नकली नोट आ जाए, इंटेंशनली नहीं एक्सीडेंटली आ जाए आपकी जेब में, तो आप इतने समझदार हैं कि आप ले जा करके उसको फाड़ करके डस्टबिन में डाल देंगे या आप उसे बैंक को ले जा करके देंगे? नहीं, आपकी पहली कोशिश ये होगी इससे जितना भी सामान आए वो सामान ले लो, चाहे फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो, वो 500 का नकली नोट मार्केट में जाए। आपकी जेब में अगर 500 के नोट हैं, उनमें से एक नोट नकली, तो जब भी आपको पेमेंट करना होगा सबसे पहले आपका हाथ उस नकली वाले नोट पर जाएगा। इसका मतलब फेक करेंसी हैज़ मोर वैलोसिटी देन द गुड करेंसी। इसी का कारण आप यहाँ पर देखते हैं, दिस लीड टू 86% ऑफ द मनी इन द सर्कुलेशन इज इनवैलिड, यानी कि हमारी इकोनॉमी में जो करेंसी सर्कुलेशन था उसमें अराउंड 86% करेंसी इनवैलिड थी। अब इसे रोकना तो था, तो रोकने के लिए स्टेप डीमोनेटाइजेशन लिया गया। ठीक है, 500 और 1000 के नोट इमीडिएट इफेक्ट के साथ में रोके गए। ये कहा गया दीज करेंसीज आर डीमोनेटाइज्ड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, यानी कि आफ्टर 12 AM दीज करेंसीज विल नो लॉन्गर बी लीगल टेंडर्स अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू स्पेसिफाइड पर्पसेस। अब वो स्पेसिफाइड पर्पसेस क्या थे? यूटिलिटी बिल्स का पेमेंट अगर आपको करना, या फिर अपन कह सकते हैं पेट्रोल पंप पर आपके ये बिल्स या ये जो आपके करेंसीज हैं इनको एक्सेप्ट किया गया कुछ एक समय के लिए, खाली रेगुलर कुछ एक समय के लिए। और यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शंस आगे ये लगा दिया जाता है कि आपके पास जो इनकम है उसे दो कैटेगरी में बांटा गया। दो कैटेगरी इनकम कौन सी थी? एक डिक्लेयर्ड इनकम थी, एक अनअकाउंटेड इनकम थी। पीपल हु हैज डिक्लेयर्ड इनकम दे मे सबमिट और दे मे डिपॉजिट देयर इनकम टू द बैंक and may withdraw with the restrictions over withdrawals, यानी कि आप अपने declared income को bank में deposit करा सकते हैं और फिर withdrawals पर restrictions होने के कारण आप थोड़ा थोड़ा पैसा वहाँ से निकाल सकते हैं। But what about those people who have non-accounted income? जिन लोगों के पास में अनअकाउंटेड इनकम है, जिसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, जिसे हमारी भाषा में काला धन यानी कि ब्लैक मनी कहा जाता है, उसका क्या किया जाए? गवर्नमेंट इम्पोज पेनल्टी ओवर देम। गवर्नमेंट वॉन्ट टू कलेक्ट, गवर्नमेंट वॉन्ट टू गेट सच ब्लैक मनी आउट। ये जो पैसा छुपाया गया था उसे बाहर निकालना चाहती है, और जब पैसा बाहर आएगा देन गवर्नमेंट इम्पोज्ड पेनल्टीज ओवर दीज रेवेन्यूज ओवर दीज इनकम, गवर्नमेंट वहाँ पर पेनल्टी इम्पोज करती है। इसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या होगा? गवर्नमेंट रेवेन्यूज अल्टीमेटली बढ़ जाएंगी, बढ़ेंगी ना। गवर्नमेंट की रेवेन्यूज बढ़ जाने की वजह से गवर्नमेंट अपने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स को रेज कर सकता है, लेकिन इसका सीधा सीधा इफेक्ट हमारे कॉमन मैन पर आया या नहीं? हम ये कहते हैं कि भाई हमने हमारा सारा पैसा बैंक में ले जा करके जमा करा देना है 500,000 के नोट, और जनरली ये वो टेन्योर था जहाँ पर हर जेब में 50-100 के नोट तो कम मिलते थे। 1,500 वॉज अ कॉमन रुपी, व्हाट अ कॉमन मैन हैज, जो एक सामान्य इंसान की जेब में मिलते 1,500 के नोट मिल जाते थे। अब जब वो 1,500 के नोट बैंक में जमा कराए जाएंगे, इट विल डायरेक्टली रिड्यूस द इनकम इन द पॉकेट ऑफ द पीपल, लोगों की जेब में जो पैसा था उसे कम कर देगा। मैं सेविंग्स कम कर देगा, इनकम कम कर देगा ये नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि पॉकेट में पैसा कम कर देगा, यानी कि उसकी जेब में जो खर्च करने वाला पैसा था इट वॉज इमिडिएटली रिड्यूस, हाथों हाथ वो कम हो जाएगा। जब वो हाथों हाथ कम हो जाएगा वो अपने एक्सपेंडिचर्स को क्या करेगा? कम करेगा। एक्सपेंडिचर्स को कम करेगा तो आपने उस समय देखा होगा मार्केट में स्लो डाउन आया, यानी कि जो शॉपकीपर था वो अपनी दुकान पर आधा शटर खोल करके बैठा रहता, कंज्यूमर आता तो आता वरना नहीं आता, यानी कि मार्केट में स्लो डाउन आया। बैंक की डिपॉजिट्स बढ़ जाती हैं क्योंकि हर एक बंदा बैंक में पैसा जमा कराने जाएगा, देयर वॉज नो लिमिटेशन, देयर वॉज नो रेस्ट्रिक्शन ओवर द डिपॉजिट्स। ठीक है, अब रेस्ट्रिक्शंस नहीं है बट यू हैव टू
make a clear source of the income along with your deposit. अगर आप 50,000 से ज़्यादा का deposit कराते हैं तो उसका आपको source बताना पड़ेगा. अब यहाँ पर अपन कहते हैं बैंक के deposits तो बढ़ जाते हैं, बैंक से जाने वाला पैसा कम हो जाता है. अब बैंक क्या चाहती है? बैंक फाइनेंशियल रिसोर्स क्रिएट करना चाहती है. तो बैंक क्या करती है कि नए नए बेस लोन क्रिएट करने के लिए नई नई प्लान्स ऑफर करती है. बैंक्स ऑफर न्यू सेविंग स्कीम्स टू द डिपॉजिटर्स टू प्रोवाइड बेस लोन्स एट द लोअर इंटरेस्ट रेट. लोअर इंटरेस्ट रेट पर बेस लोन प्रोवाइड करने के लिए जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो डिपॉजिटर्स को अलग अलग स्कीम्स ऑफर करती हैं. इससे होगा क्या, जब बैंक्स लो रेट पर पैसा देगी तो इन्वेस्टर्स विल इंड्यूस टू गेट मोर लोन अमाउंट. इन्वेस्टर्स ज़्यादा लोन अमाउंट लेंगे. अब अगर इन्वेस्टर्स लोन ज़्यादा लेंगे तो करेंगे क्या उस पैसे का? दे विल इन्वेस्ट दिस मनी इन द कैपिटल क्रिएशन. वो उस पैसे को कैपिटल क्रिएशन में इन्वेस्ट करेंगे. अल्टीमेटली होना यही है कि लोगों की इनकम बढ़नी है, लेकिन उस पर्टिकुलर टेन्योर में क्या होता है और इफ़ेक्ट क्या आता है उसे अपन यहाँ पर समझते हैं. आइए यहीं चलते हैं. सबसे पहले डी मोनेटाइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस और अनाउंस ऑन नवंबर 8, 2016. आप सब फैमिलियर हैं इस रात से. ₹500 एंड ₹1,000 वर डी मोनेटाइज विद इमीडिएट इफेक्ट सीजिंग टू बी लीगल टेंडर एक्सेप्ट फॉर ए स्पेसिफाइड पर्पस. यानी कि यूटिलिटी बिल को पे करने के अलावा बाकी हर एक चीज पर 1,500 के नोट की यूटिलिटी को बंद कर दिया गया. दिस लीड टू 86% ऑफ द मनी इन द सर्कुलेशन इन वैलिड. हम ये पाते हैं कि लगभग 86% हमारी जो करेंसी है इकोनॉमी में वो इनवैलिड होती है. पीपल हैव टू डिपॉजिट द करेंसीज विद द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द कैश विड्रॉल्स. यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस, आपके पास में जो सर्टेन इनकम है, आपके पास में जो अकाउंटेड इनकम है उस पर भी है. यानी कि अगर आपकी डिक्लेयर्ड इनकम आपकी सैलरी से आपकी इनकम आती है तो वहाँ से भी अगर आपने पैसा जमा कराया है तो विड्रॉ करते हैं तो आपने देखा होगा कि 2000 रुपी पर डे, 4000 रुपी पर डे, इनिशियली पर वीक. ठीक है, तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं एक लिमिटेशन से ज़्यादा आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते. तो ये हम उस रेस्ट्रिक्शन की बात करते हैं. अब किया क्यों गया? पहला कारण करप्शन को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए. काउंटरफिटिंग द यूज ऑफ हाई डीमोनेटाइजेशन नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज. काउंटरफिटिंग का मतलब होता है फेक, नकली. जो आपके पास में फेक करेंसी इकोनॉमी में घूम रही थी उस फेक करेंसी को इस फ्लो से बाहर निकालने के लिए अपने को क्या जरूरत थी? डीमोनेटाइजेशन की जरूरत थी. अल्टीमेटली वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द ब्लैक मनी अर्न बाई द पीपल विदाउट द इंटीमेशन और विदाउट इंफॉर्मेशन ऑफ अथॉरिटीज. अथॉरिटीज की सूचना के बिना लोगों ने जो ब्लैक मनी अर्न की हम उसके बारे में भी जानना चाहते थे. हमसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो डीमोनेटाइजेशन के फीचर्स पूछे जा सकते हैं. फीचर ये रहे, एम ये रहा, डेट हमारे लिए ऑब्जेक्टिव में काम, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव जो स्मॉल वेरी स्मॉल क्वेश्चन आते हैं वहाँ काम आ सकती है. डीमोनेटाइजेशन के फीचर की अगर बात करें तो पहला पॉइंट आता है एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर. टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर के बारे में अपन ने कहा कि यानी कि इनकम को दो कैटेगरीज में बांटा, एक अकाउंटेड इनकम और दूसरा नॉन अकाउंटेड. एक आपके पास में डिक्लेयर्ड इनकम, एक अनडिक्लेयर्ड इनकम. जो डिक्लेयर्ड इनकम है वो आप इजीली बैंक में डिपॉजिट करा करके उसे रिन्यू करवा सकते हैं, लेकिन जो अनअकाउंटेड या नॉन डिक्लेयर्ड इनकम है व्हाट अबाउट दोज पीपल? गवर्नमेंट विल हैव इम्पोज पेनल्टीज ओवर दीज इनकम्स. यानी कि यहाँ पर पेनल्टी इम्पोज की जाएगी, सिग्रीगेशन किया गया. ये चीज़ क्या कहलाएगी? एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर. अगला आता है चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू फॉर्मल फाइनेंसिंग सिस्टम. फॉर्मल फाइनेंसिंग सिस्टम अल्टीमेटली यहाँ पर बैंक क्रेडिट क्रिएशन से. अब अपन कहते हैं बैंक क्रेडिट क्रिएशन कैसे करेगा? विड्रॉन तो अलाउड नहीं. अब अगर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है कि वो लोन ज़्यादा लें, देन बैंक हैज़ टू ऑफर लो इंटरेस्ट रेट टू देम. अब बैंक लो इंटरेस्ट रेट देने की कंडीशन में इसलिए है बिकॉज बैंक्स हैज मोर मनी और सरप्लस सेविंग्स अलॉन्ग विद इट. यहाँ पर बैंक के पास में जो डिपॉजिट्स हैं वो सरप्लस डिपॉजिट्स हैं,
एडिक्वेट फंड है, जब एडिक्वेट फंड है इनके पास में, दे मे ऑफर बेस लोन्स इवन एट द लोअर इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, तो लोअर इंटरेस्ट रेट पर बेस लोन ऑफर किए जा सकते हैं। अगला आता है टैक्स इवेजन विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड, सहन नहीं किया जाएगा। देखिए दो वर्ड आते हैं, एक आता है टैक्स अवॉइडेंस, एक आता है टैक्स इवेजन, दोनों में फर्क समझिएगा। टैक्स अवॉइडेंस होता क्या है, सपोज मैं एक इंडिविजुअल अपनी इनकम को या इनकम टैक्स को कम करने के लिए आई जस्ट शिफ्टेड अ पार्ट ऑफ माई इनकम इन द नेम ऑफ माई स्पाउस और इन द नेम ऑफ माई वाइफ, मैं अपने पार्टनर के नाम पर अपनी आधी इनकम को शिफ्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने जो इनकम टैक्स के लूप होल्स हैं उनका बेनिफिट उठाकर मेरी टैक्स लायबिलिटी को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैंने जितना कमाया मैंने आधी इनकम कमाई, बाकी आधी इनकम तो मेरी वाइफ की, वाइफ की इनकम पर टैक्स नहीं लगना, और हम दोनों की इनकम आधी आधी हो जाने से या फिर मेरी इनकम कम हो जाने से टैक्स के स्केल से मैं कम आ जाता हूँ, तो वहाँ पर मुझे कम टैक्स चुकाना पड़ता है। यहाँ पर मैंने बेनिफिट किसका लिया, टैक्स पॉलिसी के लूप होल्स का। लेकिन इफ आई टुक इलीगल मेजर्स टू रिड्यूस माय टैक्स लायबिलिटी, इट विल बी टर्म्ड एज टैक्स इवेजन, उसे क्या कहेंगे, टैक्स इवेजन, यानी कि कर चोरी जिसको अपन कहते हैं, इट इज इलीगल एस्पेक्ट। तो गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करके क्लियर किया कि टैक्स इवेजन विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड, अगर ऐसा करते हैं देन गवर्नमेंट विल टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट टू देम। लास्ट आते हैं आपके उसमें कैश लाइट इकोनॉमी और कैश लेस इकोनॉमी। हाँ, गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई कैश को कैरी करने में जो रिस्क आती है, देन यू विल हैव टू मेक ट्रांजेक्शंस थ्रू योर सेल फोन्स और थ्रू योर पर्सनल कंप्यूटर्स, आप जितने भी ट्रांजेक्शंस करते हैं आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस करें। अब इंटरनेट यहाँ पर हमारे लिए इनिशियल रिक्वायरमेंट है, बिना इंटरनेट के ये पॉसिबल नहीं है, इसके लिमिटेशन भी है। कैश लाइट इकोनॉमी कैश लेस इकोनॉमी के नाम से जानी जाती है, जहाँ पर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस करेंगे। दीज आर द फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन, और इसकी वजह से हुआ क्या, इसकी वजह से इम्पैक्ट में यहाँ पर कुछ एक इम्पैक्ट्स लिखता हूँ। पहला लिखता हूँ मनी इंटरेस्ट रेट्स। सबसे पहले तो बात आप ये बताएं भैया, बैंक डिपॉजिट्स बढ़ गई थी, बढ़ी थी, उसके बाद में इंटरेस्ट रेट्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। बैंक डिपॉजिट्स इंक्रीज डिक्लाइन इन कैश ट्रांजेक्शंस और इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग्स। कैश ट्रांजेक्शंस यानी कि एज अ डिपॉजिटर मैं पैसा जमा कराना चाहूँगा लेकिन निकाल लूँगा क्या, कम, तो कैश ट्रांजेक्शंस मेरे कम हो जाएंगे, वहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज़्यादा होंगे। देन आता प्राइवेट वेल्थ एंड रियल एस्टेट मार्केट डिक्लाइंड, सबने देखा था उस पर्टिकुलर कंडीशन में वेल्थ क्रिएशन कम हुआ था, वेल्थ क्रिएशन ऑटोमेटिकली कम होगा, क्यों कम होगा, क्योंकि लोगों की जेब में पैसा यानी कि डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है, बैंक में पैसा पड़ा है लेकिन जेब में पैसा नहीं है तो खर्च कहाँ से करेंगे। पब्लिक सेक्टर वेल्थ, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, अब अपन कहेंगे कि अगर कोई इफेक्ट नहीं आता तो गवर्नमेंट ने ये किया क्यों, यहाँ पर पब्लिक सेक्टर पर इफेक्ट नहीं आया लेकिन गवर्नमेंट की टैक्स रिसीट्स पर इफेक्ट आया। गवर्नमेंट की टैक्स रिसीट्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं, इंक्रीज कर जाती हैं। देयर वॉज एन इंक्रीज इन द गवर्नमेंट रेवेन्यूज इन द फॉर्म ऑफ ईदर पेनल्टीज और टैक्सेस, यानी कि गवर्नमेंट ने पेनल्टीज से भी रेवेन्यू क्रिएट किया और टैक्सेस के फॉर्म में भी रेवेन्यू क्रिएट किया। ठीक है, दैट वॉज अ टॉपिक ऑफ डीमोनेटाइजेशन। अब इसको समझिए, ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का एग्जांपल था क्योंकि ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने स्टेप लिया था कि पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन था डीमोनेटाइजेशन, लेकिन जो इसका इफेक्ट पड़ा जाता है इकोनॉमी पर, दैट इज द इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, वो क्या हो जाता है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। जब डिसीजन की बात करते हैं तो डिसीजन क्या था, पॉलिटिकल डिसीजन था, इसके इम्प्लीकेशन की बात करते हैं, इसके प्रभाव की बात करते हैं तो वो इफेक्ट इकोनॉमी पर आता है, स्लो डाउन इकोनॉमी में आता है, then it will become under economical environment। ठीक है, अपनी अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे हमारे इस इकोनॉमिकल मेजर्स की वजह से हमारी इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आए। थैंक यू।